उसका कुछ भी शक्ल में दिखा है नहीं। 5 रुपए का मक्खन हार्दिक भाई टक्का। सब पब्लिक भी वही बोल रही है, छपरी है। रेपुटेशन तो बचेगी फ्रेंचाइजी की। थर्ड मैच हार गए ना। ही हैज अ लॉट ऑफ ईगो। हार्दिक पांडे त्याची औकात तरी आहे काय भोसडी। हार्दिक पांडे हाय हाय। एवरीथिंग सब में कमी है। 0-0 टोटली। एटीट्यूड एटीट्यूड। क्या है एटीट्यूड करता है ऐसा ऐसा पैसा बर्बाद। बहुत बुरा लगा। करना चाहिए। भारी करना मांगता उसको। हार्दिक पांडे को हटा दो, मुंबई जीतना स्टार्ट हो जाएगी। वी वांट रोहित शर्मा। पांडे को वापस गुजरात भेजो। डिसअपॉइंटिंग। वो एटीट्यूड उसको खा जाएगा। पांडे छपरी का एटीट्यूड तो भाई वो विराट कोहली समझ रहे अपने आपको। विराट कोहली एग्रेशन मैन है, वो एटीट्यूड थोड़ी दिखाते अपना। वो एग्रेशन दिखा के मैच जिताता है, सपोर्ट करता है टीम को। वो तो हंस रहा है ग्राउंड के बाहर, उसकी कोई बात नहीं करता है वहाँ पर बू बू करके। मुंबई का राजा कौन? रोहित शर्मा। मैच थोड़ा भी उसके शक्ल पे मतलब वो हार गए, उसका कुछ भी शक्ल पे दिखा है नहीं, गम भी नहीं। पैसे मिल रहे ना बट हमको बुरा लग रहा है। रोहित शर्मा। क्या कहें, मुंबई ने परोस दिया मैच, परोस के हाथाली में दे दिया आरआर के, और क्या कहेंगे। तीनों हार गए। पांड्या को बनाया ना कैप्टन इसलिए हार गए। रोहित को कैप्टन बनाते तो आराम से जीत जाते। 5 रुपए का मक्खन हार्दिक भाई टक्का। हार्दिक की वजह से गया पूरा मैच। वरुण नहीं, एक्सपीरियंस होता ना, रोहित शर्मा को एक्सपीरियंस है इतने साल का। हार्दिक पांड्या तो अभी बच्चे ही है अभी। सो पब्लिक भी वही बोल रही, छपरी है। छपरी को हटाओ, मुंबई को बचाओ। यस ही इज कैपेबल, है ना। एक्सपीरियंस मैटर्स ना। आप लोग इतना चीयर करने आए तो जिस तरह से मुंबई हारी है वो देख के बुरा लगता है? ऑब्वियसली इतना महंगा टिकट लेके हार गई मैच तो बुरा लगेगा ही ना। क्या मैसेज देना चाहोगे मुंबई को? नहीं, खेल है, हार जीत तो होती रहती है। एक को जीतना, एक को हारना, हर मैच हारेगी ऐसा तो नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट इसलिए होता है, हम लोग इतना मेहनत से आए और मुंबई उसको मुंबई को हम लोग चीयर कर रहे थे और वो हार गई। दैट इज़ इट। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी वांट रोहित शर्मा। इस साल कप नम दे आरसीबी। हार गए 10,000 वर्ग। आज हार के बस हार्दिक को कैप्टेंसी से हटा दो, जीत जाएगी मुंबई। क्योंकि भाई टीम चेंज कर गया है बंदा, फिर यहाँ पर भी उसने 3 लगातार मैच हारे, क्या फ़ायदा फिर उसने। हाँ, चीयर करने आया था बंदे ने, किसको? पीयूष को पहले किया और फिर बाद में बाकी प्लेयर लोग को किया, वो भी गलत किया बंदे ने आज कैप्टेंसी में। हाँ, एटीट्यूड तो है बंदा के, ये प्रेस से भी नहीं दे रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, बता नहीं रहा है, क्या फ़ायदा। बहुत ख़राब है, रोहित को ही बनाना चाहिए। ग्राउंड में भी बैठी है सब लोग, रोहित मुंबई चार आ जा, वही सब कर रहे हैं। हाँ, चेंज हो सकता है, मैच तो जीत सकते कम से कम। रेपुटेशन तो बचेगी फ्रेंचाइजी की, बाकी के मैच जीत लेगी तो। जाओ जीटी में जाओ, बस ट्रेड करिए। और यार अच्छा लगा मुंबई हार गई। हाँ ठीक है, मतलब वांकड़ स्टेडियम है तो अच्छा। हाँ, अभी आदत हो गया, थर्ड मैच हार गए ना। अभी वो तो मैच तो ऐसे अनप्रेडिक्टेबल रहता है ना, तो वो उसे कुछ बता नहीं सकते है कुछ। और हार्दिक पांडे को वो ज़्यादा हेट मिल रहा है, उतना मिलना नहीं चाहिए उसको। जो टीम को चाहिए वो करेंगे हम लोग। शर्मा शुड बी द कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस। कैप्टेंसी में मेन कैप्टेंसी में ही कमी है, और ना वो डिस्कस करता है सीनियर प्लेयर से। रोहित शर्मा ही शुड रिस्पेक्ट ही सीनियर। हाँ, वो मतलब ही हैज अ लॉट ऑफ ईगो, ही शुड कंट्रोल ओवर इट। पांच आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित शर्मा को रिप्लेस करना आप लोगों को सही था? नहीं नहीं, बहुत गलत है। आई एम बिग रोहित शर्मा फैन। आई एम माई फैन ओनली बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा। तीन मैच
हार्दिक पांडे इंजर्ड झाला ना तरच मुंबई इंडियन्स जिंकू शकते. रोहित शर्मा किती काय करणार, त्याला लॉन्ग अपला फिल्डिंगला उभा करतोय हार्दिक पांडे. त्याची अवकात तरी आहे काय भोसडीच्या? हा, त्या हार्दिक पांड्याची अवकात आहे काय? हार्दिक पांडे हाय हाय, हार्दिक पांडे हाय हाय. चला, ते पूरा गलत डिसीजन लिया है ये अंबानी. क्या है सोच, क्या है उसकी? हाँ, उसको भी हम लोग गाली देने वाला था, लेकिन क्या है, स्टेडियम के अंदर कुछ बोल नहीं सकते उसके लिए, ऐसी ये बात है. आगे मैच में क्या चेंजेस या क्या? नहीं, हार्दिक पांड्या को खुद बैठना चाहिए तो ही मुंबई इंडिया जीत सकती है, बस यही बोलना है. कुछ नहीं, खेल सकते. आर आर जीता, बहुत खुश हुआ मैं. पांड्या को हटाओ, पांड्या को. अरे क्या है, एटीट्यूड करता है ऐसा ऐसा करता है रोहित शर्मा. पैसा बर्बाद, क्यों ऐसा? देख लो ना फिर. बहुत बुरा लगा, बहुत जल्दी हार गए थे. मतलब रोहित और खेलना चाहिए था, बहुत जल्दी आउट हो गया. बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था. एक मतलब एक बार का लगा कि उधर ही छोड़ के जाना चाहिए, पर ठीक है, अभी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे मुंबई. थोड़ा मैं भी बोल नहीं सकती. मैं हार्दिक पांड्या के बारे में बोलोगे बहुत बुरा लगेगा. तो मैच बहुत अच्छा था, उसमें थोड़ा मज़ा नहीं आया, मगर मैच में अच्छा दिख रहा है. क्या ये सब टीम अच्छा हो रहा है? क्या रीजन है जो मुंबई लॉस हो गया? लॉस है, उन लोग बहुत कमज़ोर थे. लास्ट मैच 2 में एसआरएच वर्सेस एमआई में ये एसआरएच ने 270 मारा. वो बहुत दिखाता है क्या एमआई खूब कमज़ोर है, इसके लिए उन लोग हार गए. और अभी आरआर ने आसान से ये 120 को चेस कर दिया. क्या बोलना चाहोगे जिस तरह से हार्दिक पांड्या कैप्टन है, टीम में तीन हार गए, कहाँ गलती कर रही है मुंबई? कहाँ गलती कर रही है? हार्दिक पांड्या पनौती है. दोनों मैच से दिखता है क्या बैटिंग और बॉलिंग में इम्प्रूव करना चाहिए. बहुत डिसअपॉइंट हो गए, बर्थडे डिसअपॉइंट. मैच ये तो मैच है, क्रिकेट है, ऐसा होता रहता है. नेक्स्ट टाइम इंडिया अब मुंबई इंडियन जीतेगा ही सर, और इसी में हमारा जोश कम नहीं होना चाहिए. तीन मैच में तीन मैच हार गए, कहाँ कमी आपको लग रही कि मुंबई? सब ऐसे चलते रहता है, जरूरी नहीं कि हर गेम जीत जावे. आगे वाली सभी मैच इंडिया मुंबई इंडियन जीतेगी, देखना आप. और जिस तरह से हार्दिक को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप क्या बोलना चाहोगे? ऐसा नहीं, थोड़ा उसको भी मौका मिलना चाहिए. वो भी प्लेयर एक टीम छोड़ करके आया है, तो ऐसे उनके ऊपर बोलना एक गलत बात है. ऐसा मेरा कैसा मानना है, उसको सपोर्ट करना चाहिए, सबको मिलके पॉजिटिव रहना चाहिए. ठीक है, आज की मैच तो बहुत अच्छी थी, लेकिन लगता है हार्दिक पांड्या का टीम सिलेक्शन था थोड़ा सा गड़बड़ गया. लास्ट तक फील्डिंग और बैटिंग का सही मैनेजमेंट नहीं हुआ. उसके बाद मेरे को लगता है कि रोहित शर्मा को वापस कप्तान बना दो तो सही है, और इंडियन मुंबई इंडियंस आगे जीत सकती है और फाइनल जा सकती है. हाँ, ओ थोड़ी मेरे ख्याल से फिर से कैप्टनशिप में रोहित शर्मा को लाना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है जो टीम का बैलेंस रखना. चेंज होना बहुत ज़रूरी है. आज जो ऐसा खेली है इंडिया, मुंबई इंडियन बुरी तरह से एकदम रॉन्ग है. एक बोल्ड जो चला, लेकिन वो लोग का बैटिंग वैसा चलना मांगता, एक दो ओवर निकालने को हज नहीं था. लेकिन वो फास्ट बहुत फास्ट में अपने बहुत स्टाइलिश प्लेयर ज़्यादा है, वो कमी है मुंबई इंडियन में, वो चेंज करना ज़रूरी है. थैंक यू. अपने मुंबई के महापौर हैं. अरे सही में कैप्टनशिप मिलने के बाद इतना, मतलब जो उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है हार्दिक पांड्या को, आप क्या बोलना चाहेंगे? उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है, बहुत बहुत हाइप कर दिया है उसका. शायद से उसको अभी जो ग्राउंड क्लियरेंस उसका जो छूट गया है, वो शायद से फिर से ग्राउंड पे लाना बहुत जरूरी है. यस, तो ही मुंबई इंडियंस की जो क्राउड है और जो हम लोग फैंस है, इतने
इतना उत्साह से हम आए थे और इतना निराश होके जाना पड़ रहा है। हारी उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ तो एंटरटेनमेंट होना जरूरी है। बुरी तरह हारना बहुत बुरी बात है, बुरी तरह हारना। और मुंबई इंडियन जैसी टीम आज जैसा एक बहुत नाम है, 5 बार जीत चुकी टीम है, तो टीम सिलेक्शन एकदम बुरा है। और स्पिनर डाला है वो चावला, अरे वो तो भारी करना मांगता है उसको। इतने अच्छे अच्छे प्लेयर है अपने टीम में सिलेक्शन में, वो सबको लाओ, ये जूनियर को बाहर निकालो सबको, खाली रोहित शर्मा देख के। थैंक यू। रोहित शर्मा को वापस लेके आओ कप्तान। काइस नहीं, आरसीबी फाइनल कार्ड है। धन्यवाद। कुछ नहीं, एकदम खत्म है। हार्दिक पांड्या को हटा दो, मुंबई जीतना स्टार्ट हो जाएगी। अरे क्या उसको आता नहीं है कैप्टन कहने का। कैप्टन शर्मा, रोहित शर्मा, मुंबई का वी वांट रोहित शर्मा। ए पांड्या को वापस गुजरात भेजो। रोहित शर्मा, वी वांट रोहित शर्मा। इट्स हाई टाइम दैट वी नीड रोहित शर्मा। हेलो रोहित शर्मा, आई लव यू, यू आर द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। हेलो रोहित शर्मा, वी वांट रोहित शर्मा। कैप्टन चेंज किया इसलिए टीम हार रहा है। ब्रिंग बैक रोहित। टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं है, सब अपने अपने इंडिविजुअली खेल रहे हैं, कुछ ऐसा खास ऐसा टीम वर्क दिख नहीं रहा है, तो दैट्स एंड बैटिंग वाज वेरी पुअर। बैटिंग टीम पूरा उन्होंने बराबर नहीं किया, बैटिंग यूनिट वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ सर्विस, एंड बॉलिंग फिर भी ठीक था, बट देन दे माइट एक्चुअली वॉन्ट टू यू नो रीवर्क ऑन द बैटिंग लाइनअप एंड एवरीथिंग। नहीं बिल्कुल नहीं, ही डिजर्व्स टू बी द कैप्टन एंड ही शुड कंटिन्यू एज द कैप्टन। हार्दिक पांड्या टीम को एकजुट लेके आना चाहिए। आज का डेट में ऐसा हो रहा है कि एक टीम जो भी है, मतलब आफ्टर सर्विंग अ कैप्टन, इफ यू आर चेंजिंग द कैप्टन, ऑब्वियसली वो टीम एक वर्क, एक यूनिट जैसा नहीं आ रहा है। रोहित शर्मा, लाइक ही शुड टेक द एक्सपीरियंस फ्रॉम रोहित शर्मा एंड पुट इन द मैच। इट सीम्स लाइक ही इज नॉट टेकिंग द एक्सपीरियंस व्हिच रोहित शर्मा हैज। सी दैट इज इंडिविजुअल। सर ये तो देखिए, जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है पूरे, अगर आप देख रहे हो उनके जो बोल रहे हो वो सब म्यूट हो रखा है, हम लोगों को नहीं मालूम है वीडियो में अपने क्या उनके, वी कैन नॉट से प्लेयर्स के बीच में क्या हो रहा है, वी कैन नॉट से। देखिए मेरे हिसाब से डिसीजन तो मैनेजमेंट का है, बट अगर करना है तो दे शुड हैव गिवन हिम दिस आईपीएल एंड देन बिकॉज ही इज अबाउट टू रिटायर, सो रिटायरमेंट के पहले दे शुड हैव गिवन, जैसे चेन्नई ने धोनी को दिया हुआ है, तो वैसे ही मैं करना चाहिए था। दे शुड हैव गिवन द बेस्ट पर्सन। यप, डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। पहले ही पावर प्ले में वी हैव लॉस्ट 4 विकेट्स, सो it was very disappointing, it's a bad day, very bad day, like yeah. proper planning, I think planning and ye nahi chal raha, like since when Hardik Pandya has took over, so proper planning nahi ho pa rahi hai is pe. jis tarah se Hardik Pandya ki captaincy pe bahut sawal uth rahe hain, log bhi naraaz hain, aap kya bolna chahoge? See, being a Mumbai Indian, basically like everyone wants Rohit to be captain of Mumbai Indians, so definitely like something is not gelling up with them, I think so, like I don't know, but silly. Sir, it's not right decision, it's a bad decision, so I think Rohit should take over again this captaincy if they can hear this my review, so he should take over the captaincy again for Mumbai Indians, definitely. Sir, team to match har gaye, aage ke liye kya un log ko karna chahiye, jis wajah se wo na viral confidence hai. Rohit Sharma captain banao to hi jeetenge. Same thing I would like to tell, Rohit Sharma ko captain banaye. मैं वापस बोलना चाहूँगा कि दैट अंडर 17 बॉलर, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो उसे अभी बिठा दिया जाए, बिकॉज उसने एक कमेंट किया था, एंड यू माइट बी अ बेटर बट आई एम दी बेस्ट, सो आईपीएल ने उसको अपना फेस दिखा दिया, रियल फेस व्हाट इट इज, सो डेफिनेटली ही शुड लाइक टेक रेस्ट नाउ फॉर फ्यू मैचेस,
अनलेस एंड अनटिल वी हैव वेरी गुड बॉलर्स इन स्ट्रेंथ बैंक स्ट्रेंथ बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छे हैं. या थैंक यू सो मच. मुंबई का डॉन रोहित शर्मा, मुंबई का डॉन रोहित शर्मा. हाँ, एक ही डॉन है मुंबई टीम का, रोहित शर्मा. ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई मुंबई का डॉन एक ही है और इनको कैप्टन बनाओ और जो आईपीएल का टाइटल है 2024 का वो जीत लो. हार्दिक पांड्या में क्या कमी रह रही है जिससे ऐसे टीम का जो तीन मैच में तीनों हार गए? एटीट्यूड, बस एटीट्यूड. वो एटीट्यूड उसको खा जाएगा, उससे हम हार जाएंगे. अगर वो एटीट्यूड हटा दे तो टीम, और आज की टीम में कॉन्फिडेंस मुझे लूज लगा सबका, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे तो जीत जाएंगे. और बताइए रोहित शर्मा के बारे में क्या बोलना चाहिए? रोहित शर्मा एक ही बार में बोल दिया, डॉन है डॉन, डॉन को हराना नामुमकिन है. थैंक यू. बोलिए किसके बारे में? आज का मैच सब प्लेयर्स कॉन्फिडेंट नहीं थे. रोहित शर्मा को कैप्टनसी मिली तो ट्रॉफी ऐसे ही चल के आ जाएगी. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, प्लेयर्स ने अच्छे से खेला ही नहीं, बहुत सारी इजी अपॉर्चुनिटीज मिस हुई, बाउंड्रीज मारने की बहुत कम रन बने. सेम एटीट्यूड. अगर रोहित शर्मा आएगा वो बेटर कैप्टन है, उसका इतना एटीट्यूड नहीं है, वो डाउन टू अर्थ है. सॉरी, बहुत मजा आया. रोहित को कैप्टन बनाओ तो ही जीतेंगे. ये भाई पैसा बर्बाद. भाई पहली बात तो भाई गेम बहुत, क्या बोलूँ, टफ भी नहीं था यार, कुछ मज़ा ही नहीं आया यार. क्या गेम चल रहा है यार, बुरा लग रहा है यार. भाई कैप्टन यार बदल गया यार, वो एकदम मेन है यार. यार इज नॉट, भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगा भाई. आई एम नॉट गुड विद यू. यार भाई रोहित शर्मा ही कैप्टन बना दो भाई, मैं बोल रहा हूँ भाई. रोहित शर्मा बना दो भाई, नेक्स्ट मैच देखो जीतेंगे यार. यार जिंगल रसल पूरा मसल. अरे मैच इज ऑलवेज थ्रिलिंग, हूएवर विंस वी शुड टेक इट एज स्पोर्टिव बस, बट वी हैव लव्ड इट इन केस इट इज मुंबई. All round performance has to improve. Not only one batting, bowling, everything has to improve. सब कुछ improve करना चाहिए था. बस सब भाई एकदम बकवास करना चाहिए. Captain भी change करना चाहिए. हाँ, captain change करना चाहिए. और वो टीम डेविड को टीम में क्यों रखा है वही समझ में नहीं आ रहा है. वो कुछ खेलता ही नहीं है. नहीं, हम लोग टीम को सपोर्ट करते हैं. मुंबई इंडियन कैप्टन कोई भी होगा मुझे फर्क नहीं पड़ता है, इनको ठीक है. बट मुंबई इंडियन शुड विन. जूनियर टीम को लेके रोहित शर्मा हैज क्वालिफाइड लास्ट टाइम. इधर एक भी मैच जीतने का वांडा हो रहा है. पांड्या चपरी नहीं बोलना चाहिए. इट्स अबाउट टीम इंडिया, टीम मुंबई इंडियंस. मुझे लगता है अभी स्काई को आना चाहिए टीम में. स्काई इज इम्पोर्टेंट. और डेवाल्ड ब्रेविस और टीम डेविड की जगह शर्फेन रुदरफोर्ड को लेके आना चाहिए. और बॉलर भी थोड़ा बहुत ट्विक करना चाहिए. आई थिंक बॉलिंग अटैक अच्छा था आज का, बट बैटिंग वॉज वेरी वर्स. हार्दिक शुड हैव नोन हु हैज ग्रोन हिम एज अ प्लेयर. ही शुड हैव शोन सम ग्रैटिट्यूड एंड सम रिस्पेक्ट. इट वॉज मैटर ऑफ जस्ट बींग एज अ प्लेयर फॉर वन सीजन. एनी वे नेक्स्ट टाइम मेगा ऑक्शन होने वाला है. ही वुड हैव गॉट द कैप्टनशिप, वुड हैव बीन अ स्मूथ ट्रांजिशन, बट वो ग्रीड हैज सकम्ड अ ग्रेट प्लेयर. या थैंक यू. वेरी नाइस मैच. मुंबई राजस्थान नेशन पक्का जीतेगी. पक्का राजस्थान. हेलो एक मिनट. मुंबई में कमी बैटिंग में रह गया. जैसे रोहित शर्मा जो पहले ही आउट हो गया ना, वहाँ पे ही समझ गए कि भाई अभी रन है 100-150 के अंदर ही होगा करके. उसके रिलेटेड एक्चुअली देखो, ऐसा कैप्टन के ऊपर ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो एक टाइम पे गुजरात के भी रहा है. तो प्लेयर अच्छे हैं वो, ठीक है. एक माइंडसेट है कि रोहित शर्मा को नहीं बनाया है करके, ठीक है, वो हर किसी का सोच रहता है. बट मेरे हिसाब से कोई गलत डिसीजन नहीं है वैसा है तो. कोऑर्डिनेशन में थोड़ा कमी हो रहा है.
जैसे हार्दिक पांड्या जो है उनको थोड़ा बहुत टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके करना चाहिए तो माइट भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। थैंक यू। हार्दिक पांड्या जिता दिया मैच। हार्दिक पांड्या, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा राजस्थान जीत गया। अरे चला, सॉरी, इट्स गुड, इट्स गुड मैन, इट्स गुड, श्योर इट्स गुड, ओके। एंड हार्ड लक फैंस, सॉरी, कमी पूरी टीम में रह गई है, पूरे टीम में रह गई है कमी। और आई विल से हार्दिक पांड्या वाज गुड कैप्टन, जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, बट रोहित गुड ना बिट, ये मत करो, हार्दिक पांड्या भी इंडियन ही है यार, हैव अ फेथ, ओके ओके। सॉरी सॉरी सॉरी, हार्दिक पांड्या को अभी वो आपको पता है ना अपनी देश कैसा है, गवार है, गवार, वो गवार कभी समझेगा नहीं। हार्दिक पांड्या वाज अ गुड ऑलराउंडर, 2022 का वर्ल्ड कप देखा ही होगा, लुक एट हिज परफॉर्मेंस, बाद में जज करो ना, दैट्स इट, जस्ट सेइंग, हेट मत करो कोई सी इंडियन प्लेयर को, हैव अ फेथ। तो मैं जो फॉरेनर को तुम लोग अच्छा बोलते, अरे ही इज अ गुड प्लेयर, बट व्हाट अबाउट इंडियन प्लेयर, दैट्स इट, थैंक यू। आज का मैच रोहित शर्मा कैप्टन चाहिए, अगले सब के सब मैच जीत जाएंगे मुंबई इंडियंस अगर रोहित शर्मा कैप्टन रहा तो। हार्दिक पांड्या का कमी है टीम मैनेजमेंट, नहीं है फील्डिंग अच्छी तरह से नहीं लगा दे, और चार पांच प्लेयर आपने थोड़े से अलग अलग हो गए, चार पांच प्लेयर की एक टीम है और बाकी के पांच छह प्लेयर की एक टीम हो गए, दो टीम हो गए, टीम में एकता नहीं रही, मुंबई इंडियंस टीम में क्या हो रहा, बंटवारा होने जैसा हो गया, इसको वो कोई आपने अपने ग्रुप गिर गए ऐसा लग रहा है। क्यों वो रोहित भाई को कप्तान की से निकाला और उनमें एकता नहीं रह गई, और हार्दिक भाई प्लेयर अच्छा है ये बात नहीं है, मगर मुंबई का राजा तो राजा होना चाहिए ना, ये बात है। नहीं, अगर रोहित शर्मा कैप्टन रहा तो पहले भी हिस्ट्री है, पहले तीन तीन चार चार मैच हार के भी फाइनल तक गया और फाइनल जीत के आया पांच बार, तो अभी भी हो सकता है, अभी भी फाइनल ला सकता है, लेकिन रोहित शर्मा कैप्टन होना। और ये बात तो सही है कि मुंबई आगे की मैच जीतेंगी, ये तो सही बात है, मगर क्या अब रोहित शर्मा को कप्तान तो नहीं बना सकते, आपने देश का कप्तान इसके जो उसको कप्तान की पद से नहीं निकालना चाहिए था, मगर क्या उनका उनका क्या मसला आपने कुछ क्या मालूम, वायरल बॉलीवुड सर्च करा। आज के मैच के बारे में, बहुत बुरा खेल था और मुंबई इंडियंस को जीतना चाहिए था, मैं जीत के निशान पे आया था, सोचा जिता के जाऊंगा लेकिन हार गए, अभी क्या कर सकते हैं। हर एक डिपार्टमेंट में, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग हर एक डिपार्टमेंट में, वो मिलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी उसको अभी क्या गलती है, पब्लिक का और दोनों का गलती है, अभी क्या कर सकते हैं। नो कमेंट्स माय फ्रेंड। चलो चलो, मैं तो दोनों साइड से आया था, आपको कैसा लगा मैच? क्या किया यार, अंदर जाना चाहिए था आपको, बार सिर्फ गाली पड़ी पांड्या को, सिर्फ गाली पड़ी और क्या हुआ, नहीं मेरे को तो अच्छा लगा मुंबई हारी, क्योंकि पांड्या जब तक कैप्टनशिप रहेगा ना हारे, फिर वो हटेगा, रोहित शर्मा आएगा तो जीतनी चाहिए। मैं तो घर के कपड़े में आया हूँ, मैं दोनों साइड से हूँ, जो जीत रही वो अपनी टीम बस। होना चाहिए कप्तान रोहित शर्मा को ही होना चाहिए, क्योंकि देख रहे हार गई ना हम मुंबई वाले, मैं मुंबई चाहे आणि मुंबई हारली एकदम बेकार फील होता है, बहुत मजा आ रही है, दिल गार्डन गार्डन हो रही है भाई। कमी आप खुद बोलो, आपने पहले के मैच देखे हो कैप्टनशिप में रोहित शर्मा के, तो आपको मैच कौन से अच्छे लगे, हार्दिक पांडे के रोहित शर्मा के, आप खुद बोले हो रोहित शर्मा, आप रोहित शर्मा बोल रहे हो तो मेरे से क्या पूछ रहे हो फिर। वो तो उसका एटीट्यूड तो भाई वो विराट कोहली समझ रहा है अपने आपको, विराट कोहली एग्रेशन मैन है, वो एटीट्यूड थोड़ी दिखाता है अपना, वो एग्रेशन दिखा के मैच जिताता है, सपोर्ट करता है टीम को, वो तो हंस रहा है ग्राउंड के बाहर, ये क्या बात है। मतलब उसको कैप्टनशिप नहीं देनी चाहिए थी, उसको प्लेयर के हिसाब से खिलाना चाहिए था ना, कैप्टनशिप उसको गलत दी है तो हार रही है अभी, वो गलत है ना वो, बस चेंजेस करना चाहिए हार्दिक पांड्या को, मतलब एक प्लेयर की तरह खिलाओ पहले के जैसा, और ये रोहित शर्मा को कैप्टन बनाओ, बात खत्म, तो फिर जीतेगी और क्या। मोस्ट वेलकम सर।
मुंबई। आज के मैच के बारे में यही बोलना चाहेंगे कि राजस्थान रॉयल ने अच्छा खेला और हमारा जो एक्सपेक्टेशन था मुंबई इंडियन के प्रति कि पौने 200-200 रन हो जाएगा तो हम सामने वाले को टफ दे सकते थे, किंतु हमारा बैटिंग ऑर्डर फेल होने की वजह से आज हमें हार का सामना करना पड़ा। कमी ऐसा नहीं है, कमी तो हर एक टीम में रहती, पर आज बैटिंग ऑर्डर फेल होने की वजह से जिससे हमें रोहित शर्मा को आज अपना बेस्ट इम्प्रूवमेंट करना था पर वो कर नहीं सके, इसलिए हम उनके ऊपर नहीं दोष दे सकते कि रोहित इज द बेस्ट है, पर नहीं आज उन्होंने इम्प्रूव नहीं किया, तो अगर वो आज कर सकते थे तो हम उन पर उनका भारी एक मुंबई इंडियंस के ऊपर उनका एक अच्छा योगदान होता था, किंतु कैप्टन हाँ था हार्दिक पांड्या का एक्चुअली देखा जाए राजस्थान नहीं, हार्दिक पांड्या ने ऐसा नहीं है कि कैप्टनशिप है, अभी हर लोग नए नए कैप्टनशिप बनते हैं, उनको तो कुछ सीखना पड़ता है, वो दूसरे से सीनियर्स अपना राय लेके वो अपना कार्य करते हैं और उन्होंने अपने हिसाब से किया, उन्होंने अपना कार्य किया, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कैप्टनशिप बदली करना चाहिए। देखो परिवर्तन ही संसार का नियम है, उसके माध्यम से देखा जाए तो हर एक को नए चेहरे को अगर उन्होंने मौका दिया है तो उसमें कोई बुरा नहीं किया है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो परमानेंट बैठा हुआ है वही परमानेंट रहेगा। रोहित शर्मा हो मुंबई का राजा, रोहित शर्मा हो मुंबई का राजा, रोहित शर्मा नहीं, हर एक का समय होता है और हमें नए चेहरे हमेशा देखना पड़ता है, हम रोहित शर्मा के भरोसे कब तक रह सकते, तो यह एक्सपेरिमेंट भी एक तरह से देखा जाए तो कोई गलत नहीं है, हम उसके पक्ष में ऐसा नहीं है कि उन्होंने कैप्टनशिप बदली किया है तो कोई गलत किया है, वो उन्होंने अपने हिसाब से नए लोगों को मौका दिया है और हम चाहते हैं कि नए लोगों को हमेशा मौका मिलना चाहिए। सर आज के मैच में क्या बोले सर, आज तो पूरा मूड खराब हो गया हमारा भी, पर हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग नहीं किया वो हमको बहुत अलग लगा आज, क्योंकि आज इसको ड्रीम इलेवन पे कैप्टन बनाया था मैंने यार, उसने बोल डाला नहीं, बहुत बुरा लगा, मुंबई के हाल बेकार है, रोहित शर्मा को कैप्टनशिप मिलनी चाहिए नेक्स्ट टाइम। कैप्टनशिप सर समझ में नहीं आ रही हम लोग को, तो हम तो दर्शक है लेकिन समझ में नहीं आ रही क्या कर रहा है क्या नहीं, रोहित शर्मा एक अलग ब्रांड है और उसको एक कैप्टन देना मांगता है वो बस। सर बैटिंग में कमी लग रही फिलहाल तो मुझे, क्योंकि बैटिंग हो रहा नहीं हर मैच में, आप देखो रन स्कोर एक तो एक 200 का कितना था सिरा से, उसके बाद के बाद बैटिंग हुई नहीं एक भी मैच में, उसके लिए कुछ करना चाहिए, एक तो रोहित शर्मा भी चले नहीं आज। हार्दिक पांड्या सर उस जो लाइनअप से बैटिंग उतार रहे और जो बॉलिंग चलवा रहे वो समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए रोहित शर्मा अपना बेस्ट है। छपरी को हटाओ टीम को बचाओ, अरे क्या करता है वो, कुछ तो नहीं करता है, सिर्फ एटीट्यूड दिखाता है सबको, रोहित को थर्ड मैन पे रख दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है, डीप पॉइंट पे रख दिया, उसकी है उसको कैप्टनसी से हटाओ, टीम से ही निकाल दो, सब अंबानी की गलती है। मैच तो बहुत फालतू था, अंदर घुसने से पहले 4 विकेट डाउन थे, मैं राजस्थान फैन तो ठीक है मैं खुश था, बट फिर भी मुंबई को ये सिचुएशन पे देख के 3 में से 3 हारी है, बहुत वर्स्ट फीलिंग था, कोई चेयरअप नहीं कर रहा था, स्टेडियम पूरा शान बैठा था, फर्स्ट टाइम मेरे हिसाब से मुंबई का स्टेडियम इतना शान था, कोई एंजॉय नहीं कर रहा था, तो अभी ये 3 विन 3 लूज है, अभी यहाँ से कुछ मैनेजमेंट को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, मेरे को लग रहा है बहुत जल्दी हार्दिक पांड्या को कैप्टनशिप देना पड़ेगा, लग रहा है कोई एंजॉय नहीं कर रहा है, रोहित शर्मा के लिए एवरी बॉल भी हाथ में आ रही है तो सब पूरा स्टेडियम जो है एंजॉय कर रहा है, तो हार्दिक पांड्या का लग रहा है शुरू होने से पहले ख़त्म होने वाला है वैसे। मुंबई में कमी ऐसा कि अभी फर्स्ट मैच है, होम ग्राउंड है, शायद कुछ चेंजेस करेंगे, अभी होम ग्राउंड में बैक टू बैक 4 मैचेस होने वाले, तो यहाँ से कुछ टीम कुछ चेंज करेगी, मैनेजमेंट चेंज करेगी, कुछ कैप्टनशिप का जो भी इफेक्ट है वो 3 मैच में हो गया, तो अब से जो एक न्यू चेंज दिखेगा वो अब से आने वाले मैचों में दिखेगा, बट फिर भी वानखेड़े जैसे स्टेडियम में जो बैटिंग साइड है और वहाँ पे इतना लो स्कोर एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कोई भी मुंबई का ऑडियंस, तो ऐसा है। वीडियो बट अभी रिसेंटली लास्ट के 2 मैचेस में तो सुधर गया, रोहित शर्मा से कुछ कुछ चीज़ें बात कर रहा है, उसको इधर उधर नहीं भगा रहा है, खुद मतलब समझ गया अभी शायद वो जो भी ऑडियंस है, और आज इतना ऑडियंस ने कुछ किया नहीं उसको, कुछ बोला नहीं, तो ऑल गुड था आज, ठीक था। अभी ऐसा है कि इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं, मुंबई जो टीम है वो बेस्ट है,
बस ऐसा है कि रियलाइजेशन हो जाएगा अभी 3-4 मैचेस के बाद में, जो आएगा बेस्ट आएगा, फिर क्वालिफाई होके टाइम नहीं लगेगा विन होने को, तो बेस्ट टीम है, टाइम लगेगा, बस बैड टाइम है, फेस है, निकल जाएगा। या वेरी स्पेसिफिकली कि हार्दिक पंड्या के ऊपर ही खाली गाली देके कोई फायदा नहीं होने वाला है, बाकी 10 प्लेयर क्या करते हैं, उन लोग खाली पैसा कमाने के लिए आए, लोग खाली फोकट हार्दिक पंड्या को गाली दे रहे, तो बाकी 10 लोग खेलो ना, क्यों नहीं खेल सकते हो, वो कोई नहीं कुछ नहीं करता है, उसकी कोई बात नहीं करता है, वहाँ पर बू बू करके तुम्हारे खुद के कैप्टन को तुम ऐसे गाली दे के उसको नरम करते हो, फिर कैसा खेलेगा वो। सो दिस इज एब्सोल्युटली, एंड सेकेंडली ये हिस्ट्री है मुंबई का कि तुम 4-5 मैच हारते ही हो और बाद में जीते हो, तो सिर्फ हार्दिक पंड्या को टारगेट करने का भी, इट इज़ एब्सोल्युटली रबिश, दिस पब्लिक इज नॉट अंडरस्टूड द रियल मुंबई गेम सीरियसली। नहीं, मुंबई विल गैदर टूगेदर एंड विल कम बैक, विल कम बैक, 100% विल कम बैक। हार्दिक पंड्या, यू कीप ऑन गोइंग, फॉरगेट अबाउट एनी वन टेलिंग वॉट एवर यू इज, यू प्ले योर नेचुरल गेम। थैंक यू। हम लोग भाई राजस्थान से आए, बड़ी दूर से आए, तो हम लोग यही उम्मीद, यही पूरी जोश के साथ आए थे कि भाई राजस्थान को मैच जिताने का है, और हमारा ये मनोकामना पूर्ण हुई, तो हम लोग यही सोचेंगे कि राजस्थान सबसे बेस्ट टीम है अब की बार, तो अब की बार भी फाइनल नहीं जीती तो मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ ऐसा टीम मिलने वाला है, सबसे बढ़िया टीम है मुंबई का। एक तो मेन बात बैटिंग एक नंबर, क्योंकि एक पहले ओवर में 2-3 विकेट गिर गए, तो उसके बाद उसका प्लेटफॉर्म आगे बढ़े नहीं, होम ग्राउंड पे भी ऐसा होएगा तो हमारा भी हार्दिक बता ये क्या बोल रहा, सुनो, विक्ट्री और डिफीट विल कीप सपोर्टिंग मुंबई इंडियंस फॉरएवर। हार्दिक को ब्लेम इन द सेंस, वो अभी बस वायरल हो रहा है वो, और कुछ नहीं, बट हार्दिक विल प्ले, उसका कमबैक होगा, अभी होगा, क्यों नहीं होगा, होगा, अरे होगा भाई, अरे इंडिया का, आप राजस्थान के सपोर्टर हो, हार्दिक कैप्टन है, नहीं मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली बात है, कैप्टन है, आपको लेना ही पड़ेगा क्रेडिट, जीत रहा है तो क्रेडिट कौन देता है, कैप्टन अभी जीते तो हम तारीफ करते हैं हार्दिक ने कुछ किया है, अभी हार रहे तो वो कर रहे हैं, अभी 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 अपन रोहित अपना वो हारा वर्ल्ड कप, तो सब बुराई कर रहे थे ना कि भाई रोहित ने वर्ल्ड कप हरा दिया, ये थोड़ी बोल रहे थे पूरी टीम ने हरा दिया, रोहित का ही बोल रहे थे ना, तो अभी हार्दिक का बोलेंगे, जो बंदा लीड करेगा उसको ठीक हो, वो जो कुछ है उसका मेनू इधर गलती से आ गया, इसका वेन है सीएसके का थाला भाई, अरे सीएसके का वेन है, बट भाई मुंबई ईशान किशन कलकत्ता, मुंबई और रोहित शर्मा, मुंबई का राजा कौन, रोहित शर्मा, बस रोहित शर्मा ऑलवेज 07 थाला फॉर रीजन।